डिहायड्रेशन झालं आहे काका. आम्हाला कोकम शब्द कोकम शरबत पाजतात आहे सोड्यामध्ये. शांतादुर्गा टेम्पलच्या प्रेमॅसेसमध्ये, बाबा मंगेशी टेम्पलच्या प्रेमॅसेसमध्ये कोकम टाकलेलं आहे त्यांनी. हां थोडं थोडं गोड, म्हणजे गोड तुमच्या हिशोबाने जे बरोबर लोक पितात तसं. हे काय आहे? जलजीरा मसाला. हे मीठ ऋषी हो पुढे घे. डिहायड्रेशन झालं आहे त्याच्यामुळे थोडं रिहायड्रेशन होणं जरुरी आहे. शंकराचं देवस्थान आहे. ऋतू तुला व्हायला काय घ्यायचं तर तू घेऊ शकतेस. हॅलो द्यायचं ना. दोन तीन तिसरा नंबर तिसरा नंबर. तुला विचारलं नाही प्रसाद कुठे भेटेल. मग प्रसाद जो विकतो तोच हे पण विकत असेल ना. सुंदर देव तिथे पुष्करणी आहे. पुष्करणी देवस्थानाची काळभैरवाचं दर्शन घेतल्या रुचीने. आता आम्ही सांगत उभा राहतो, मोबाईल बंद करतो. हे दीपमाळ फेमस मंगेशी टेम्पल म्हटलं की हे दीपमाळाचा फोटो येतो. आणि लता मंगेश म्हटलं त्यांचं सरनेम जे आहे ते या मंगेशीवरून आहे. आता मी मंगेशीचं इथे दर्शन घेऊन आलो. आज फोटोग्राफी मनाई होती, फार प्रसन्न वातावरण होतं. मंगेशी म्हणजे शंकर भगवान आहे. पोर्तुगीज राजवटीमध्ये थोडा काळ दुसऱ्या वाड्यामध्ये शिफ्ट केलं होतं, दुसऱ्या गावात त्यांना वाचवायला, पोर्तुगीजांच्या त्या ख्रिश्चन धर्मप्रसारकाच्या क्रोधातून वाचवायला. नंतर पुन्हा इथे स्थापना केलेली आहे. दुपारचं ऊन मस्त रंगसंगती आहे, निळी पिवळी. पण इथून मंगेशीचं टेम्पल दर्शन घेऊन आता फोंडा रोडने शांतादुर्गा टेम्पल बघायला चाललो आहे. किती 7-8 किलोमीटर असेल इथून? 8 किलोमीटर इथून. आपण पोहोचतोय शांतादुर्गा टेम्पल जवळ. पुष्करणी देवाची शांतादुर्गा टेम्पल, दुर्गेचं शांत स्वरूप. शांतादुर्गा टेम्पलच्या प्रेमॅसेसमध्ये आपण आहोत.
हा रथ केव्हा निघतो? 25 तारखेला. 25 पहाटे. म्हणजे 26 तारखेला बघतो. आता जानेवारीच्या आता बघ 2-3 दिवस आहे. 25 तारखेला हा रथ निघेल. वार्षिक त्याची तयारी सुरू आहे. रंगरंगोटी हे दीप माळ जी आहे त्याचा सगळा शेप आहे त्याचा. शांतादुर्गा टेम्पल खूप सुंदर, अति सुंदर. हे इथलं एक नागेश मंदिर म्हणून आहे. नावावरून कळतं की नागेश म्हणजे शंकराचं मंदिर असावं. गोव्यामध्ये हा ब्लू कलर सगळीकडे दिसतो. मंदिरांमध्ये, चर्चेसमध्ये, बिल्डिंगमध्ये. उधर पीछे मार्डोल पंजे लुकवा रुचि ले रही है. लाइम वाटर, फ्रेश लाइम वाटर. एंजॉय. पॅनाकोडा बिल बेस क्रीम स्वीट डिश आहे. लाइक कस्टर्ड ओनली. कस्टर्ड उस पे पंजे पंजे ने पंजीम और इसकी दूसरी ब्रांड. हाँ ये अभी हम कस्टम्स म्यूजियम धरोहर में जा रहे हैं. आ गया है यहाँ. मैंने DRI में डायरेक्टर ऑफ रेवन्यू इंटेलिजेंस में था तो कुछ एंटिक स्मगल हो रही थी वो सीज की थी. मुझे पता चला कि यहाँ वो डिस्प्ले में रखी है. तो आई एम क्यूरियस टू सी दोज ट्रेजर्स, नेशनल ट्रेजर्स. चलो जाते हैं. ये ब्लू बिल्डिंग थी नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स धरोहर. लेकिन आज मंडे है, मंडे को इनका हॉलीडे रहता है. येलो और ब्लू कलर कॉमन है. इंस्टीट्यूट ऑफ नौसा शहर क्या है? तो क्रिश्चियन लोगों का होगा वो. यहाँ मॉडर्न आर्ट वाले काफी है. ये देख बाइसन मॉडर्न आर्ट में. ये पिछली साइड नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी की.
आज बंद है, संडे होने के कारण इसलिए हम देख नहीं सके। देखते परसों जाएंगे, क्योंकि कल नॉर्थ गोवा है टुमारो। आज मंडे को बंद रहता है। अच्छा ये पहले मैग्निफिसेंट चर्च बिल्डिंग है पंजे की। भाई कौन से पिक्चर का हुआ है कमेंट करो। कुछ पिक्चर का हुआ है ना, आशिकी 2 का शूटिंग इधर हुआ था। जो इसका बांद्रा चर्च है ना, ऊंची ऐसी स्टेप्स वगैरह है ऐसे। हाँ उतरे रुचि कुरसच, कहाँ है हम? ये अभी हम पंजीम के पंजीम चर्च के आगे है, जहाँ इसके आगे आशिकी 2 की शूटिंग हुई थी। यहाँ हाँ, इसके आगे यहाँ पे तो ये एडमिशन रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्युनिटी। ऊपर जाएंगे ये तो सब लोग यहाँ से शूटिंग कर रहे हैं। पंजीम का जो चर्च है उसको ऊपर जाने के लिए अलाउड नहीं है, फर्स्ट फ्लोर तक ही जा सकते हैं। तो फोटो शूटिंग पॉइंट इधर ही है, प्रेयर्स भी इधर ही करते हैं ये, यहाँ कैंडल भी इधर जलाते हैं। तो हमने आज थोड़ा यहाँ विजिट किए, फोटो शूटिंग किए। नीचे भी एक ग्राउंड है एक लेवल और से। अभी हम पंजी चर्च का दीदार करके फाउंटेन हांस करके एक जगह वहाँ जा रहे हैं। European impact very good. Fountain House area है, इसके अलग अलग गलियां हैं, अलग अलग कलर के ओल्ड स्टाइल के बिल्डिंग्स है पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस के। चलो बच्चे हम वापस कैसे जाएंगे, कहाँ चाहे थे? ये मोर देन 100 इयर्स ओल्ड बिल्डिंग्स है, लेटरेट स्टोन है, इसके पे चूना का पॉलिश है। यहाँ देखो ओरिजिनल दिखता है, लेटर स्टोन का बिल्डिंग है। प्लास्टर निकल गया वहाँ, क्लियरली दिखता है। लकड़ी की जाली, एंट्रेंस को देखिए, ऐसे कॉल कलर पैटर्न, डिफरेंट कलर्स, ब्यूटीफुल क्वार्टर्स। लेफ्ट कीप लेफ्ट, ये कलर बहुत पसंद आया मेरे को, ये कलर। आउटर इसको वॉल्स को ऐसे कलर इंडिया में बहुत कम यूज करते। अपने को वहां दिखा था कोची में, नहीं सेवाग्राम आश्रम में बापू के, ये कलर था ब्लू कलर। पंजीम पीपल्स पंजीम वेलकम हेरिटेज,
कि यहाँ आए फिर से। काफी पॉपुलर है लोगों में फोटो निकालने के लिए। वो बालकनी मांडवी रिवर मध्ये कॅसिनोचे मोठे मोठे शिप्स आहेत। आपण आता चाललोय मिरामार बीच मध्ये। हे कोणते बिल्डिंग आहे? कोणते आले असतील अगोदर? गव्हर्नमेंट ऑफिसर्सचे घर असतील जसे मॅजिस्ट्रेट इंजिनियर्स वगैरे असतात ना। हा कोणता एरिया? सिव्हिल लाईन्सचा एरिया म्हणता येईल याला? काय अंपाल एरिया, कॅम्प एरिया आहे हा। हे कॅन्टोनमेंट आहे रुची। बंदोबस्त आहे भरपूर। आपण दोना पावला आलेलो आहे। एक बीच आहे इथे, दोना पावला नावाच्या एका प्रेमिकेची कहाणी त्याशी निगडीत आहे। असा वरतून येतो आणि खाली बीच कडे जातो रस्ता। सुबह से दिन स्टार्ट हुआ तेरा और थक गए तू? ऑब्वियस है। रोज एक फिशिंग हार्बर जैसा लग रहा है। फिशिंग हार्बर नहीं है तो जॉय राइड्स के बोट से, थोड़े यॉट्स भी है इधर। पानी साफ है, यहाँ रुकने की भी जगह है काफी। इधर नीचे तक ये है पार्किंग की जगह। क्या रुचि, रास्ते पे क्या सिंघम की शूटिंग हुई थी बोल रहे तू? दौड़ के ऐसा आता है वो, और वो पहाड़ी के ऊपर ये यहाँ मेरे किस में बीच में दिख रहे वो दोना पावला है। तो अभी ये रिपेयरिंग के लिए बंद है। हाँ ये जेट्टी बोलते हैं इसको, जेट्टी अंडर रिपेयर है इसलिए ये ग्रीन कपड़ा लगा के रखे लोगों को, यहाँ ही पकड़ के रखे लोग सब ये यहाँ ही रुके हुए हैं।
ये लाइफ गार्ड वगैरह सब आइडल पड़े हैं। ये दोना पावला इंडिया का यहाँ का गवर्नर था, उसके रिलेटिव थी। बाद में वो गवर्नर श्रीलंका में भी गवर्नर हो गया था, लेकिन बाद में कुछ उसका प्रेम प्रकरण में उसने यहाँ से पत्थर से कूद के जान दे दी थी। तो ये प्रेमिकाओं का जैसा रोमियो जूलियट है वैसा ये दोना और पावला ऐसा कुछ है स्टोरी। ये पूरा नहीं जो पुर्तगीज रास्ता गोवा में तब का है, ये पुर्तगीज नहीं थी, स्पेनिश लेडी थी।